ABPS News। अपने सफर में आगे बढ़ते हुए ABPS News टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक ठाकुर द्वारा स्थित लौंगीकला गांव पड़ा। वर्तमान समय में इस गांव के प्रधान ओम प्रकाश सिंह हैं। लगभग 4500 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस ग्राम पंचायत की दूरी मात्र 8 किलोमीटर ही है। वर्तमान प्रधान ने अपने गांव में अनेक तरीके के विकास कार्य कराए हैं। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा 10 सड़कों का निर्माण कराया गया है, वहीं 111 शौचालय व 12 आवास भी गरीबों को वितरित किए गए हैं। उन्होंने अपने गांव में 250 नालों का भी निर्माण करवाया है। साथ ही साथ उनके द्वारा शिव मंदिर में टाइल्स निर्माण व स्कूलों में शौचालय निर्माण भी करवाया गया है। वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो इस गांव में कुल 2200 वोटर हैं, जबकि राशन कार्ड धारकों की संख्या 356 है। वहीं विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थी ग्राम प्रधान द्वारा सभी लाभों से लाभान्वित होते दिखाई दिए। बात अगर शिक्षा की करें तो जूनियर व प्राथमिक पाठशालाओं में लगभग 500 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते नजर आते हैं, तो वहीं प्रधान द्वारा 13 हैंडपंप भी लगवाए गए हैं व 20 हैंडपंपों की अभी भी सरकार से मांग है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा गांव में बिजली व्यवस्था बनाए रखने के लिए 125 बिजली के पोल व 2 बिजली के ट्रांसफार्मर भी गांव में लगवाए गए हैं। ग्राम प्रधान ने ABPS न्यूज टीम के माध्यम से राज्य सरकार व केंद्र सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गांव में पंचायत घर का निर्माण करवाया जाए, साथ ही साथ सौर ऊर्जा व 150 आवासों का भी गांव में वितरण किया जाए, जिससे ग्रामीणों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। वहीं ग्रामीणों ने भी प्रधान के द्वारा कराए गए सभी कार्यों की समीक्षा की और बताया ग्राम प्रधान अपना कार्य बेहतर तरीके से कर रहे हैं। हाँ, मैं ग्राम प्रधान लौंगीकला का स्थायी निवासी हूँ और यहाँ जो भी प्रधान जी कार्य करा रहे हैं वो सब बढ़िया करा रहे हैं, ठीक ठाक चल रहा है काम। सड़कों का कार्य है, नालों का निर्माण और जो आवासों का शौचालय वगैरह जो भी है काम बढ़िया करा रहे हैं, किसी के भेदभाव में नहीं करा रहे, अपने उससे करा रहे हैं। मैं ओम प्रकाश सिंह, ग्राम लौंगीकला का प्रधान हूँ और जो मैंने कार्य कराए हैं, मैंने रोडें बनवा दी, 10 रोडें बनवा दी हैं और 111 शौचालय बनवा दिए हैं, 12 आवास बनवा दिए हैं, मंदिर में टाइल्स निर्माण लगवा दिया है, आंगनवाड़ी केंद्र में टाइल्स लगवा दी है, स्कूल में गेट सफाई, गेट शौचालय और रंग सफाई सब करा दिया है। 2-3 स्कूल हैं मेरे पास, उस समय मैंने अपना काम जारी करा दिया है और इस समय वो फाइनल भी हो चुका है। और गाँव में जहाँ पानी भरता था नालों वालों में, वो नाले बनवा दिए हैं, रोडें जहाँ बेकार थी रोडें बिल्कुल सही करा दी हैं। और मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप मेरे गांव में पंचायत में अधिक से अधिक पैसा भेजें ताकि मैं गांव का पूर्ण विकास कर सकूं।